This ashram is not owned by me. It is not in my name. I am not the owner. I am just one of the trustees. That's it. I don't own it. If someday my all trustees go nuts and kick me out, I'll have to go out. Because I don't own it. मेजोरिटी पावर जिसके पास हो दे कैन डिसाइड सो दैट पर्सन गिव मनी सम हाउ ये इंफॉर्मेशन उनके किसी जानने वाले को मिल गई और वो आ गए मेरे पास तो वो मुझे कहते क्या आपको पता है ये आदमी इनकम टैक्स की चोरी करता है मैं तो ये इसका तो मतलब ना समाज में अच्छा नाम नहीं लोग इसके बारे में बहुत बात है पूरे शहर में मशहूर है ये मैं अच्छा तो नहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बंदा बहुत बुरा है ये बंदा वो नहीं जो आप समझ रहे हैं मैंने कहा धन्यवाद ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेकिन डॉक्टर के पास रोगी नहीं आएंगे तो क्या स्वस्थ आएंगे तो ये अगर मन से रोगी है और मेरे पास आया है तो ये तो अच्छी बात हो गई ना इसमें बुरी बात क्या है एंड फॉर अ मोमेंट कंसिडर मी एज अ डॉक्टर ऑफ माइंड एंड ही हैज सिकनेस इन हिज माइंड सो इफ ही हैज कम टू मी म आज बही मैं नहीं करता है समझ गया सीख गया तो एक दिन छोड़ देगा इसमें कोई दिक्कत तो अब उनको कितना खराब लग रहा है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये बंदे ने 20 लाख दे दिया है तो 20 लाख दे के अब अब गुरुजी के सामने उसकी कितनी इज्जत बन गई तो मैं इसकी इज्जत उतार के आऊंगा अब मैं पीपल हैव सिक माइंड मुझे याद आता है अमृतसर में जब मैं सत्संग करती थी फिजिकली आई वॉज सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड आई वुड गो इन अ टेम्पल डू माई सत्संग इन देन वन ओल्ड लेडी रिपोर्टेड टू मी इन अ वेरी हर्स्ट टोन कि वो जो पीछे कोने में पिलर के साथ बैठी थी वो प्रॉस्टिट्यूट है स्मॉल टाउन थिंग्स गेट प्रोपेल्ड वेरी फास्ट वो गंदा काम करती है यहां आएगी तो आपकी बदनामी हो जाएगी मैंने कहा आप मेरे बदनामी की चिंता ना करिए होंगे जो हम बदनाम तो क्या नाम ना होगा कोई बात नहीं किया है बदनाम हमें हमारे दोस्तों ने किया है बदनाम हमारे दोस्तों ने हम देते हैं उनको दुआएं कि हम मशहूर हो गए कहती उसको आप ना मना करवा दो मैंने कहा हम वो नहीं करेंगे वो आएगी तो बिल्कुल वो तो जल गई बुढ़ी माता मेरे से वो दो तीन कटियां आई थी ऐसे कैसे हो सकता है हम आएंगे ही नहीं अगर ये आएगी तो मैं आ, वो आपकी मर्जी नहीं आना मत आएगी आप उसने किस मजबूरी में या किस बेवकूफ़ी में या किस परिस्थिति में इसको अपने जीवन में लाया होगा ये जाने बगैर आप उसके लिए सर्टिफिकेट क्यों निकाल रहे मैं हम बिल्कुल नहीं मना करेंगे वो जब तक चाहेगी आएगी और आप उसे रोकेंगे नहीं और ये मैंने कहा इस बात का ध्यान रहे आपने जो बात मुझे बोली है ये मेरे तक रहे आप जाके किसी और को अगर बोले कि वो लड़की क्या करती है या क्या नहीं करती है तो मैं वो आपके लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे यू विल बी डिसरिस्पेक्टिंग मी अगर बोला कि नहीं तो बस नहीं होता वो तो दो तीन बुढ़िया तो हमसे नाराज हो गई तो उन्होंने आना छोड़ दिया सत्संग में फिर वो हमारी ही बुराई करने लग गए सब जगह पता उनके पास कैसे कैसे लोग जाते ठीक है कोई बात नहीं जब हम मान चाहते हैं तो हम मान न मिलने पर दूसरों का मान गिराने में लग जाते और समझदार मनुष्य वो होता है जो सामने वाले के गुणों का वखान करे लेकिन सामने वाले की गलती के विषय में चुप रहे क्योंकि जो आदमी गलत करता है वो उसको उस समय सही लगता है इसलिए वो करता है लेकिन जिस दिन उसकी बुद्धि जागेगी समझ आएगी वो अपने आप उस गलती से आ जाएगा बाहर और मैं इसलिए भी ये बात कह सकती हूँ कि जो किसी संत महात्मा को सुन रहे हैं समझ रहे हैं भूल कुछ हो भी जाएगी तो वो चूंकि समझ रहा है ना ज्ञान तो वो ज्ञान की शक्ति से अपने मन को अपनी बुद्धि को जरूर संभाल लेगा लेकिन क्या आप ये बात समझते हो कि जब आप किसी की बुराई करते हो तो आप उस बंदे से गुस्सा नहीं निकाल रहे हो आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि हम तो अच्छे हैं और हमको आप अच्छा कह नहीं रहे हो और दूसरे को आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो तो हमें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आओ हम आपको बताते हैं इसमें यह बुरा है इसमें यह बुरा है इसमें यह बुरा है कामनाएं हो चित्त में तो मनुष्य दम भी हो ही जाएगा पाखंडी हो ही जाएगा अच्छा कामना कोई ना हो मन में वुड बी लाइक टू मेक somebody फील स्मॉल बाय आर हार्श वर्ड्स No, no, नो वी विल नेवर डू दैट लेकिन जितना मज़ा बुराई करने और बुराई सुनने में आपको आता है ना, उतना मजा आपको किसी की अच्छाई की बात करके किसी के गुणों का वर्णन करके नहीं मिलता और श्री कृष्ण कहते हैं काम माश्रित दुष्पूरम मोहाद ग्रही सदग्रह प्रवर्तन्ते शुचीवृत जिसके मन में दंभ है मान है मध है मद इज दैट यू आर इंटॉक्सिकेटेड विद वैनिटी अपने आप को सर्टिफिकेट दे रखा आई एम द बेस्ट दैट इज कॉल्ड मध 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 होर्शी मध ऑल्सो मीन्स एल्कोहल सो वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड विद वंस ईगो कैन बी कॉल्ड हैज मध मध कामना दंब दिस थ्री आर साइन ऑफ आसुरी व्यक्ति मैंने, you can be an आसुरी मैंने डिमोनिक श्री कृष्ण से सो इफ यू हैव डिजायर्स वैनिटी एंड हिपोक्रेसी यू हैव अ डिमोनिक एंट्रीब्यूट यू कैन बी कॉल्ड एन आसुरी एंड ऑपोजिट टू आसुरी इज सुर सुर मींस डिवाइन देवता डमी गॉड सो वॉट वुड बी दी ऑपोजिट ऑफ दम्ब इट वुड बी बींग ऑनेस्ट एंड सिंसियर कामना का ऑपोजिट क्या हो गया निष्काम हो जाना हाँ और मद का ऑपोजिट क्या हुआ हम्बल हो जाना नम्र अहंकार रहित काम ना उसको कहते हैं जो कभी पूरी नहीं होती देर इज ऑलवेज अ टेल लेफ्ट यू हैव दिस मच यू नीड दिस मच यू हैव डन दिस मच एंड दिस मच इज लेफ्ट ये मिल गया ये रह गया ये हो गया बस ये रह गया बाकी सब हो गया बस ये रह गया जैसे लोग बोलते हैं मुझे कि देखिए जी बेटा बेटी पढ़ गए बेटे की शादी कर ली अब बची बेटी और उसकी शादी हम छह महीने में कर रहे फिर हम फ्री मैं अच्छा दैट विल बी एट वंडर इफ यू विल बिकम फ्री लेट सी जब तक लड़की की शादी होती है बहु प्रेग्नेंट हो चुकी होती है तब प्रेगनेंसी में उसकी देखभाल करनी है इधर उसकी शादी निपटाई था उसका बच्चा हो रहा है बच्चा हो रहा है अरे छोटा बच्चा है ना कैसे छोड़े तो दादी बनी फर्स्ट टाइम तो पागल हो जाती और जब तलक वो बच्चे को एक साल का होता है तब तक लड़की का चालू हो जाता है काम देन शी इज अबाउट टू डिलीवर बेबी फिर वो बेटे को छोड़ के बहू को छोड़ के फिर बेटी के चली जाती है। और फिर बहू और बेटी की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती मेरी बारी आई ना तो मम्मी ने मेरा केयर नहीं किया था देखो बेटी की तरफ कैसे गई भाग के एंड देन ऑल दी एंगर एंड एंड ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स एंड फाइटिंग्स एंड देन दैट लेडी हुट टू मी आई विल बी फ्री तो वो दो तीन साल बाद मेरे से जब मिले तो मैंने उनको कहा मैंने कहा आप तो कह रहे थे मैं फ्री हो जाऊंगी तो so, आप आप मेरे को दो साल बाद मिल रहे हो व्हाट हैपेन्ड आई न्यू द होल महाभारत विच शी इज गोइंग टू से फिर तो वो कहे वही अच्छा था बच्चे छोटे रहते बड़े ही ना होते बड़े हो गए इनकी शादियां कर दी उनके लॉज ससुराल वाले समझी झगड़े दिमाग खराब कर दिया है मैं जैदी दिमाग खराब मत कर जा जाके शिरोधारा व्यंग करा <laughs> अब वो करा के वापिस आई ना कहती मैं क्या बताऊं मैं देखो इतना चैन आया है मैं तो सो गई शिरोधारा में मेरे को आधे घंटे में उन्होंने उठाया कि जी अब उठिए नहा लीजिए आपने वापिस जाना होगा तेरी चैन तो यहीं पे है कहाँ फंस गए हम मैं अब मैंने तो फंसाया नहीं था तुझे खुद फंसे हो हम हम कामना इसी को कहते हम ये करेंगे ना तो बस पर छूटी बोले एक मकान वाला एक गाड़ी की बस मेरी सारी बैंक की जो लोन पूरा हो जाए घर का लोन पूरा हो जाए मैं फ्री ओके okay. और फिर जब मिलते हैं क्या हुआ बोले नहीं मेरा तो फ्री हो गया था बट बेटे को कार लेके दी वो लोन पे है बेटी को लेके दी वो लोन पे है जमाई को कुछ चाहिए था वो लोन पे है तो अब उसको कर रहा हूं मैं तो तुम फ्री कब होते हो इसी को कामना कहते यू डोंट नो वेन टू पुट स्टॉप आई हेड सेट दैट डे ऑल्सो दैट इन वैदिक संस्कृति इट व सेट जिस दिन आप अपने बड़े पुत्र को विवाह कर दें तो बड़े पुत्र और बहू को घर का इंचार्ज बना दीजिए और आप सेमी रिटायर हो जाइए लेट दम रन द अफेयर्स वो करें काम आप साइड में हो जाइए वाण प्रस्थ वन की ओर प्रस्थान टू गो टुवर्ड्स दैट शुड बी योर नाउ टारगेट और जो बाकी छोटे बच्चे हो बहन भाई हो वो आपका बेटा और बहू संभाले उनको देन दे बिकम द पेरेंट टू देम दैट वाज द सिस्टम आप कहते हो जी हमारा तो लड़का ही बड़ा ही बदतमीज है तो बीवी का जोरू का गुलाम हो गया है वो तो बस अपने ससुराल वालों के पीछे घूमता रहता है बच्चों का कहाँ से ख्याल करे तो ये तुम्हारी ट्रेनिंग गलत है तुमने क्या सिखाया अपने लड़के को धर्म अनुसार अर्थ कमाना चाहिए क्या ये पुत्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए था तब सिर्फ एक ही चीज सिखाई बेटा परसू परसा परसरा पैसा कमाओ ये भूल गए जो धर्म के बगैर धन कमाएंगे वो धन के गुलाम हो जाएंगे जो धन के गुलाम हो जाएंगे वो स्वार्थी हो जाएंगे जो स्वार्थी हो जाएंगे वो अपने ही बहन भाइयों से झगड़ेंगे कौरव धर्म विहीन हो गए इसलिए पांडवों से लड़े पांडवों के पिता का अधिकार युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था नहीं मिला वो कहते कोई बात नहीं हमें पांच गांव दे दो हम आराम से वहां रह लेंगे एक भाई को एक गांव जस्ट फाइव विलेजेस गिव अस फाइव विलेजेस एंड वी फाइव ब्रदर्स विल लिव देयर पीसफुली वी डोंट वांट द होल किंगडम बट दुर्योधन सेज नो सो द फाइट हैपेंस द वॉर हैपेंस व्हाट वाज द एंड रिजल्ट ऑल कौरवस डाइड लेट्स गो बिट मोर डीपर इनटू दिस माइथोलॉजिकल स्टोरी दुर्योधन शासन बुरा इसलिए हुआ क्योंकि धृतराष्ट्र लालची था आंख से ही अंधा नहीं था अकल से भी अंधा था और पांडु धर्मवान था इसलिए अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जा करके पश्चाताप करता था क्योंकि उससे गलती से एक ऋषि और ऋषि पत्नी का वध हो गया था एक्सीडेंटली सोचा जानवर है तीर मारा वो लगा पति पत्नी ऋषि को और दे डाइड सो टू कवर अप फॉर द सिन विच ही हैज डन ही लेफ्ट हिज किंगडम वेंट टू फॉरेस्ट सो ही वॉज अ धर्मात्मा और ये धर्मात्मा अपने बच्चों को भी धर्म सिखाया चारों भाई युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। भीम यह तो नहीं कहता गदा मेरे पास है आई एम मोर पावरफुल देन यू एंड आई किक यू अवे एंड बिकम द किंग अप टिल देयर लास्ट ब्रेथ दीज फोर ब्रदर्स कैप्टन सर्विंग देयर एल्डर ब्रदर नेवर फॉट दे नेवर सेड शुड यू बी किंग लेट्स बी द किंग और लेट्स डिवाइड आर किंगडम इन टू फाइव पार्ट नेवर युधिस्टिर ही राजा रहे भीम नकुल सहदेव अर्जुन युधिष्ठिर की सेवा करते हमारे पिता समान है कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं धर्म हमें कामनाओं को संयमित करना सिखाता है और अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो कामना दुष्पूरी तह यह कभी पूरी नहीं होती आग है ना घी डालते जाओ और जलेगी घी डालो और जलेगी एक कामना पूरी हो जाए दस खड़ी हो जाएगी दस को बीस खड़ी हो जाएगी मोह एक ऐसा शत्रु है कि हमें जोड़ देता है ऐसे व्यक्तियों के साथ या मकान या धन या दौलत के साथ कि हम उससे अपने आप को अलग कर ही नहीं पाते जो पैसा कमाते हो ना उससे बड़ी ममता हो जाती देखो पत्नी से हो तो चलो इंसान है वो कोई बात नहीं बच्चों से हो जाए चलो इंसान है जीवित जागृत है लोगों को पैसे से ममता हो जाती पैसा क्या है अ करेंसी नोट इज अ पीस ऑफ पेपर राइट नथिंग मोर देन दैट बट यू लव दिस पीस ऑफ पेपर सो मच नॉट ओनली दी करेंसी नोट्स, यू लव योर पेनीज एंड डाइम्स सो मच अमेरिका में कोई चीज लीजिए हर चीज फाइव डॉलर नाइनटी नाइन सेंट अरे बेवकूफ छह लिख लेना इकट्ठे वो एक सेंट से लोगों को लगता है सस्ता है फाइव नाइन्टी नाइन एट नाइन्टी नाइन नाइन नाइनटी नाइन नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन मेक इट हंड्रेड सो एनी अमेरिकन पर्स इज लोडेड विद कॉइंस छोटे 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 रख के बैठे रहते उससे भी बड़ी माने पर्स में है कंधा टूट रहा है छोड़ेगी नहीं उसको सो मच लोड द नोट्स आर लाइट बट टू कॉइंस एक जगह कीर्तन हो रहा था जागरण मैया जी का तो मैया जी का जागरण हो रहा है तो फिर आखिरी में हुई आरती आरती जब हुई तो वो थाली लेके घूमते हैं लोगों के बीच सब ऐसे ज्योति लेते हैं और ऐसे ज्योति लेते हैं और उसमें पैसे डालते दे फॉर द मनी एक कंजूस मक्खी चूस ऐसे कीर्तन में बैठा हुआ था तो जब तक तो हो रही थी जय माता दी खूब ताली बजाए जय माता दी जय माता दी जय माता दी करता रहा फिर वही आरती तो उसका माथा ठनका अरे अब तो पैसे देने पड़ेंगे अब सब दे रहे हैं तो मुझे भी देने पड़ेंगे तो उसने जेब में हाथ मारा तो उसको एक रुपए का सिक्का मिल गया पर दिल न करे बाहर निकालने का तांत ऐसे ऐसे घुमाए जाए कह रही चेंज ही नहीं है चेंज ही नहीं है दो लग तो आस पास वाले सुन लें वो कोई कह दे तुम ले लो ना हमसे जरूरी ना जोत में चढ़ा ना फिर जो कोई बोला ही नहीं तो लगा मर गए अब तो निकालना ही पड़ेगा तो उसने निकाल लिया ऐसे हाथ में रख लिया ऐसे हाथ में पकड़ा आरती उधर घूम रही दिल धड़के अभी आई अभी आई अभी आई देना पड़ेगा देना पड़ेगा इतने जोर से पकड़ा गर्मी के दिन थे हाथ में पसीना आया हुआ था जब तक आई आरती उसके पास तो उसने हाथ ऐसे किया थाली पर छोड़ा सिक्का हाथ में चिपका हुआ था ऐसे किया ना तो उसने झट से हाथ बंद कर लिया और ऐसे प्रणाम कर दिया जय माता दी मैया तू तो कितनी कृपालु है मेरा रुपया चिपका दिया तूने हाथ में मैया के द्वारे कोई खाली नहीं जाता देखो तो वो और जोर से जकारा लगाया उसने अस्सी चार चुरासी कंटिया वाली माता तेरी सदाई जय ममता धन से ममता मकान से ममता कपड़ों से ममता जेवरों से सत्तर साल की बुढ़िया अपनी पुरानी अलमारी खोली कपड़े निकाले बाहर तो बच्चों को दिखा रही बहुओं को दिखा रही बेटियों देखो ये मेरे शादी का जोड़ा ये देखो ये मेरी सास ने दिया था ये देखो रानी हार मेरी अम्मा ने मुझे दिया था तो बहू कहती तो अब अम्मा ये हमें हमें से किसको दोगे क्या लिखा है क्यों दूँ मैं ही पहनूंगी। बोले आप इस उम्र में ये गुलाबी जोड़ा पहनोगे नहीं तो मुझे काटता है गुलाबी रंग तुझे लगता मैं बुढ़ी हो गई हूं जवान हूं तुमसे दौड़ लगा ले मेरे साथ फिर किसी ने कहा अच्छा थोड़ी लगेगा दे दो अब दे दो किसी को हा जब मरूंगी तो ले लेना मैं अपने हाथ से तो नहीं दे सकती आई कैनॉट गिव विद माई ओन हैंड्स सो वेट अंटिल आई डाई तो बहुए कोती हाय कल ही मर जाए तो अच्छा है जब मिलना मरने पर है बुरा मत मानिए हो सकता आपके बच्चे ऐसे ना हो लेकिन जब सत्तर पार कर जाए ना पिताजी तो बच्चे भी यही सोचते टपकेंगे तो कुछ मिलेगा कब टपकेंगे ये मेरे एक नोएडा में है परिवार तो महिला को पहले हार्ट अटैक हुआ बच गई फिर ब्रेन में क्लॉट आ गया बच गई फिर दूसरी बार ब्रेन में क्लॉट आ गया फिर बच गई तो उनका पोता कहते दादी तू कभी नहीं मरेगी क्या <laughs> लोग एक ही बार में निकल लेते तूने जाना नहीं और कहते हम मुझे तो गुरु हर बार बचा लेते हैं। अब उसमें वो क्रेडिट मेरे को देती है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पोता पूछ रहा है और पोता बड़ा प्यार, प्यारा सा बच्चा है ऐसा नहीं कि कोई बुरा बच्चा है पर वो हैरान हो रहा था माने कितने बार बचेगी तू तेरा प्रोग्राम नहीं मरने का बोले अब जब जितने श्वास है तो है और उसका कारण है कारण यह है कि वो दो बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते हैं उसकी होनी है शादी अब दादी कमरा घेर के बैठी हुई है दादी निपटेगी तो कमरा मिलेगा ना नहीं तो अपनी श्रीमती के साथ रहेगा वो वेरी होमली गुड बॉय एज सच बट ई वॉज ऑल्सो वंडरिंग जाती नहीं कब जाएगी तो? तो ये बात दादी ही सुनाई मेरे को हंस हंस के सुनाई कहती अब देखो मैं क्या करूं अब गले में फंदा डाल लू नहीं निकल रहे प्राण तो नहीं निकल रहे मेरा अभी तय है गुरु जी को मिलना हाँ पास बैठना सुनना दर्शन करना तो मेरे लिए तो आनंद है लेकिन तुम अपने हाथ से कुछ छोड़ के राजी नहीं हो क्यों ममता मेरा है मेरा है कैसे दे दू और मैंने एक चीज अनुभव की है वो मैं आपको आज बोलती हूं हम जितना हाथ खुला रख के देते हैं ना उतनी स्पीड से हमारे पास आता है करके देखिएगा इसका हम जितना देते हैं प्रकृति हमारे पास उतना सामान और भेज देती है क्यों प्रकृति समझ जाती कि इसको देना ये रोकेगा नहीं ये आगे पास ऑन कर देगा सो so, वहां एक चैनल बन जाता है The more you give, the more you get. The more you hold, the more it stops coming to you. जो बचाएंगे वो और गरीब हो जाएंगे और जो देंगे वो और अमीर हो जाएंगे